आगरा में आज मुकदमा से संबंधित हथियारों को नष्ट कराया गया। जो भी हथियार मुकदमे से संबंधित होते थे उन्हें मालखाना कलेक्ट्रेट परिसर में जमा कराया जाता था। इनकी संख्या आज ज्यादा हो गई, इसलिए न्यायालय से अनुमति लेकर आज कलेक्ट्रेट परिसर में इन्हें नष्ट कराया गया। आज मुकदमा से संबंधित हथियारों को नष्ट कराया गया। जो भी हथियार मुकदमे में संबंधित होते थे उन्हें सदर मालखाना कलेक्ट्रेट में जमा कराया जाता था। अब इनकी संख्या ज्यादा हो गई तो इसके बाद न्यायालय से अनुमति ली और नष्टीकरण की कार्रवाई कलेक्ट्रेट परिसर में आज की गई। SSP बबलू कुमार ने बताया कि मुकदमों से संबंधित 1392 हथियारों की आज नष्टीकरण की कार्रवाई की गई है। हथियारों में उन्हें शामिल किया गया जिन्हें मुकदमे का निर्णय हो चुका है। साथ ही इसके लिए एक कमेटी बनाई गई है, उस कमेटी की निगरानी में इन हथियारों का नष्टीकरण कराया जा रहा है। पर जो मुकदमे लिखे जाते हैं और मुकदमों से संबंधित जो माल मुकदमाते होते हैं उनको सदर मालखाना में जमा कराया जाता है। मुकदमा के निर्णय होने के उपरांत माननीय न्यायालय के आदेश के क्रम में वो माल मुकदमाती जो है नष्ट कराए जाते हैं। इसी क्रम में पिछले 4-5 महीनों से हमारी पूरी टीम, प्रोसिक्यूशन की टीम, ये सभी लोग लग के इन्होंने सदर मालखाने से कुल 2392 माल को जो है, जिनके मुकदमे निर्णित हो चुके हैं, उनका न्यायालय से आदेश कराने के उपरांत आज नष्टीकरण की जो है कार्रवाई चल रही है। यहाँ कलेक्ट्रेट परिसर में AD साहब, JD प्रोसिक्यूशन साहब अपने निगरानी में जो कमेटी बनी हुई है उनके देख रेख में 2392 आर्म्स एक्ट के जो माल हैं उनका नष्टीकरण की कार्रवाई यहाँ चल रही है। और इसके उपरांत पुनः जो है फिर एक बार हम लोग अभियान चलाएंगे और जो भी मुकदमे हमारे निर्णित हो चुके हैं जिसके माल सदर मालखाना में जमा हैं उनको भी नष्ट करने की कार्रवाई करेंगे। ये एक बड़ी कार्रवाई काफ़ी दिनों बाद जनपद आगरा में की जा रही है। मैं इसके लिए प्रोसिक्यूशन की टीम को बधाई देता हूँ।